शशिकांत मिश्रा आपका स्पेक्ट्रम एडुकार्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ पूरा पढ़ रखा है, फिनिश कर रखा है, और एलिमेंट्री मैथ हमने स्टार्ट की थी, अंकगणित स्टार्ट की थी, और अंकगणित के अंतर्गत हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा सबसे पहले एंड प्रॉफिट लॉस पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अच्छा सा लाभ और सॉरी ब्याज। ब्याज पर हम लोग चर्चा करेंगे, और ब्याज पहले सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ। ठीक है, तो जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के थ्रू होते हुए आए, तो आगामी वीडियोज जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं उनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और अंक गणित कि आप मास्टर बन जाएंगे, मास्टरी गेन कर लेंगे। इतना हम लोगों ने बेसिक से लेकर के आगे बढ़े हैं टॉपिक्स को। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड स्ट्रीम से हैं, मैथमेटिक्स है, बायो स्ट्रीम से रहे हैं, अकॉमर्स है, आर्ट है, डजंट मैटर। आजकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनके अंदर एक डर बैठा है, फोबिया कि हम मैथ कैसे कर पाएंगे। ठीक है, एसएससी आप मैथमेटिशियन नहीं चाहता है, एसएससी कॉमन स्टूडेंट चाहता है, नॉर्मल स्टूडेंट चाहता है जो एक अच्छी अप्रोच रखता हो, ना कि गणित का बहुत अच्छा ज्ञान रखता हो। अगर उसे गणित का बहुत अच्छा ज्ञान ही चाहिए होता तो कह देता भाई जो एमएससी मैथमेटिक्स है, पीएचडी होल्डर मैथमेटिक्स है ना, मतलब वो बंदे आए बीएससी मैथमेटिक्स है, ठीक, वो कहता है कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है, सामान्य स्नातक है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए वो सामान्य गणित पूछता है, मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स नहीं पूछता है, सिंपल उन टॉपिक्स पर चर्चा करता है जो हम लोग 9th से 10th तक पढ़े हैं। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करना है हमको, उनको हम लोग कैसे उन पे शार्पनेस ला सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ब्याज, आइए हम लोग ब्याज स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सबका अपना अपना भांति भांति का होता है, किसी का किसी में, किसी का किसी में। तो इंटरेस्ट यानी ब्याज होता क्या है, अगर हम लोग बात करें ब्याज की, भाई देखो ब्याज क्या है, ब्याज हमें रुपए के रूप में मिल सकता है, मनी के रूप में, ठीक, पूंजी के रूप में, धन के रूप में मिल सकता है। ब्याज हमें आर्टिकल यानी वस्तु के रूप में मिल सकता है, ब्याज हमें सर्विस यानी सेवा के रूप में मिल सकता है। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत पहले ब्याज इसी रूप में मिला करता था, सर्विस के रूप में मिला करता था। हम लोग जानते हैं ब्याज मतलब बंधुआ मजदूरी, एक को हम लोग था जो चलता रहता यही, मतलब किसी पूंजीपति ने धन उधार दे दिया एक गरीब मजदूर को, उसके बाद वो ब्याज पर ब्याज उसका बढ़ता रहा, और वो ब्याज उसका जो मूलधन अदा नहीं कर पाया, ब्याज नहीं अदा कर पाया, तो वो ब्याज के रूप में सेवा करता रहता था, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, ना वो कभी अदा कर पाता था, ना उसकी वो मजदूरी छूटती थी, तो वो बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट चलता था। ठीक, तो ब्याज हमारा सर्विस के रूप में, वो अभी भी हो सकता है सर्विस के रूप में, जैसे आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, कहा भाई ऐसा है हमको 100 रुपए उधार दे दो, जब तक हम आपको 100 रुपए नहीं दे पाएंगे तब तक हम आपके यहाँ सुबह शाम आकर के ये काम कर देंगे या वो काम कर देंगे, तो दैट्स अ सर्विस लाइक इंटरेस्ट, तो वो ब्याज के रूप में सर्विस हो गई। या वस्तु के रूप में, मान लो आपने 1000 रुपए की कोई वस्तु परचेज की, जो किसी से उधार ले लिया, आपने कुछ दिन के बाद उसके 1000 रुपए वापस कर दिए, प्लस आपने उसको एक मान लो कुछ भी दे दिया, 100-200 जो भी हुआ, मान लो कोई भी आपने चेयर दे दी,
कुछ भी दे दिया, एक वस्तु दे दी, तो ये जो चेयर है ये एडिशनल जो जा रहा है मूलधन के साथ जो एक्स्ट्रा जा रहा है ये हमारा क्या है, ब्याज। और तीसरा जो इंटरेस्ट होता है पूंजी के रूप में वो तो हम लोग परिचित हैं और इसी पर हम लोगों से चर्चा की जाती है, इन पर सवाल नहीं बनता, हालांकि बनने को बन भी सकता है, दे सकते हैं, बट होता वही है। तो वो पूंजी ये चाहे पूंजी के रूप में हो चाहे वस्तु के रूप में हो सबकी वैल्यू बराबर होती है, ठीक। तो ये कुछ होता है ब्याज। अब ब्याज जो हमको डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है टू टाइप के इंटरेस्ट। पहला ब्याज हम लोगों को जो डिस्कस करना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये दो प्रकार के ब्याज हमको डिस्कस करने हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इन पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक। तो फिलहाल हम लोग अभी डिस्कस करें सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट ये ऐसा ब्याज होता है जो हमेशा मूलधन पर मिलता है, यानी अगर मान लो मूलधन 100 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो एक साल का ब्याज अगर हम लोग निकालेंगे तो 10 रुपया हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा मूलधन पर मिलता है और प्रत्येक वर्ष समान रहता है। तो पहले साल भाई इसका 10% मिला, दूसरे साल फिर से इसका 10% मिलेगा, तीसरे साल फिर से इसी का 10% मिलेगा, चौथे साल फिर से इसी का 10% मिलेगा, यानी 10 रुपए मिलेगा, ठीक। तो जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है और हमेशा प्रिंसिपल पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। इस बात को हमें याद रखना है और यही एक मूल मंत्र है जिससे हमारे सारे सवाल हो जाते हैं। यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ईयर दर ईयर बढ़ता रहता है क्योंकि वो अमाउंट पर मिलता है, मिश्रधन पर मिलता है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में जाने, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था 6th 7th 8th में, ब्याज इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम अपॉन 100। ये होता है साधारण ब्याज। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा सबको, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है और भी अच्छी बात है, क्योंकि यूज नहीं करना है, वो सब यूजेबल हो जाएंगे, आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे इसके, ठीक। तो इन्हीं का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग आगे बढ़े, एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक आसान सा क्वेश्चन है आज का हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत आसान पहला सवाल। कहा गया है 2000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात करो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन रुपीज 2000 एट 5% पर एनम इन 9 मंथ। बहुत अच्छा सवाल है। तो भाई क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें है क्या दिया, हमको दिया गया है प्रिंसिपल 2000, टाइम 9 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। पांच परसेंट है वार्षिक, आप समझ रहे हैं वार्षिक के लिए। अब एनुअल है, हमसे ब्याज पूछा। भाई देखो ब्याज बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, यही तो रिलेशन होता है, ठीक है। तो मूलधन हमारा, ब्याज हमको चाहिए, मूलधन हमारा देखो हमको दिया गया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 5%, टाइम है 9 महीने। अब प्रॉब्लम यहां पर खड़ी होती है, अपॉन तो 100 रहेगा रहेगा, हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम है, लेकिन जो टाइम है वो मासिक है, मंथली है, मंथ है, 9 महीने है। तो इन 9 महीनों को हम लोग साल में बदल लेंगे और 9 महीने को साल में बदलने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे।
अब इसे हम लोग सॉल्व करने जाएं अगर, तो देखिए ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तीन तिया नौ, तीन चौके बारह, ठीक है। अब हमारा इसको कैंसिल कर देंगे तो चार पंचे बीस, गुणा करेंगे पचम पच्चीस तिया पचहत्तर रुपए, यही हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल था, आसान सा, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसी को बताने के लिए हमने सवाल उठाया, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम है तो टाइम ईयर में होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ है तो टाइम मंथली होना चाहिए, बस इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल उठाएंगे आसान सा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और अच्छे से सवाल की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला। कहा गया है किस धन पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज एक रुपया होगा। एट विच मनी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वन डे एट 5% पर एनम इज 1 रुपीज। तो 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज एक रुपया किस धन पर होगा। अब देखो यहां पर हमको सिंपल इंटरेस्ट पता है एक रुपया है, हमको यहां पर प्रिंसिपल चाहिए, हमको यहां पर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% पर एनम है, वार्षिक है, टाइम हमको दिया गया है वन डे, और भाई वन डे है तो यहां पर तो प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई क्योंकि हमको वर्ष में बदलना है, तो एक दिन को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग 365 से डिवाइड कर देंगे तो 365 साल हो गए। अब हम लोग इसको अगर साल करने जाएं तो भाई रिलेशन होता है पीआरटी एक बराबर, मूलधन नहीं पता तो एक्स ले लिए, दर हमारी 5% है, टाइम 1/365 है, और बटे में क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा सवाल है। साल करने भाई देखो अगर हम लोग इसको साल करने जाएंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से कैंसिल कर दो, 5 सते 35, 5 दिया 15, 73 आएगा, x की वैल्यू आ गई 7300 7300। बहुत आसान सवाल था, तो हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 7300, ये हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। तो ये याद रखना अगर हमको दिन को वर्ष में बदलना है, अगर कोई लीपीपीयर नहीं लगाता है तो 365 से डिवाइड कर लेंगे, महीने को साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एक और आसान सा सवाल। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और आसान सा सवाल दिया गया है। 5000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000 एट 5% पर एनम इन 3 ईयर। तो आपको 3 साल का ब्याज निकालना है, तो ये देखिए हमारा निकल कर आएगा मूलधन हमारा कितना है 5000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी दी गई है 8%, और हमारा जो टाइम है वो 3 ईयर दिया है, ठीक। तो हमको चाहिए अब इंटरेस्ट ब्याज, तो हम लोगों ने पढ़ा है ब्याज बराबर होता है मूलधन, दर, समय, बहुत आसान है, बस सॉल्व कर लेगा, ठीक। तो हम लोग निकाल लेंगे 1020 कट जाएगा, तो हम लोग ये आया 5, 8, 3, 24, 25, 120 यानी 1200 रुपए, यही हमारा हो गया। बहुत आसान था, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया। अब देखिए हम लोगों ने देखा यहां पर जो R इंटू टी होता है ये हमारा होता है ब्याज प्रतिशत, ठीक है। R इंटू टी जो होता है वो ब्याज प्रतिशत होता है, यानी 8 × 24, तो जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 24%। डायरेक्ट हम लोग 24% जब हमारा इंटरेस्ट हो गया तो हम लोग अगर इंटरेस्ट निकालने जाएंगे तो निकल कर आ जाएगा 5000 का 24%, यानी 24/100, तो 1020 कट जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो चाहे हम लोग ऐसे निकालें या ऐसे निकालें वो एक ही चीज होती है, हम लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो कोशिश करते हैं सब हम लोग डायरेक्ट पकड़ेंगे 24% निकाल लो भाई मूलधन का, ठीक है। अब अगर हमको मिश्रधन चाहिए होता तो 124% डायरेक्ट निकाल लेते,
तो वो हमारा अमाउंट बन जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल था। हम लोग आगे और पढ़ेंगे, एक और आसान सा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी सिंपल इंटरेस्ट के आसान आसान से कुछ क्वेश्चंस को डील किया, डिस्कस किया, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक ये प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया जाए धीरे धीरे पैसेंजर से, ताकि फिर हम लोग बड़ी से बड़ी तेज रफ्तार वाली ट्रेनों को रोक सके, ठीक। तो इसके लिए हम लोग बेस बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ताकि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को डील कर सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा, इन पहला जो वीडियो है इसको अच्छे से समझिएगा, अपने सिर्फ और सिर्फ SI is equal to PRT upon 100, इसका यूज कैसे करना है इस पर हमने डील की, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ओरली हो जाता है, तो आगे जो हम लोग देखेंगे उन पर थोड़ा सा और इनका स्मार्टली तरीके से यूज करेंगे। तो उनको आप अच्छे से देखिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हमारे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम लोग आगे जो लेकर आएंगे तो इनके अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको शीघ्र और अतिशीघ्र तुरंत प्राप्त होते रहे। सो फार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।